हर महीने आपको गर्म अरंडी का तेल पीना है और आप शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध करते हैं। अगर आप इसे हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ले रहे हैं तो 3 बड़े चम्मच ले सकते हैं। जैसे कब्ज से राहत पाने के लिए सावधानी से अरंडी के तेल का प्रयोग करें। योग विज्ञान की जीवन की समझ के अनुसार सुबह जागने के बाद 20 मिनट के अंदर स्वाभाविक रूप से अगर आंतें खुद को पूरी तरह से खाली नहीं करती हैं, That means you're in ill health or you're heading there quickly. तो यानी कि आप बीमार हैं या आप शारीरिक और मानसिक रूप से जल्द ही बीमार होने वाले हैं। इन दोनों में से कोई भी जो आप में ज्यादा कमजोर है वो पहले खराब होगा। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी जो भी समस्या हो सबसे पहले वो आपकी आंत साफ करेगा, क्योंकि बड़ी आंत को साफ रखना बहुत जरूरी है। वाकई आपका कोलन या बड़ी आंत का साफ न होना और मानसिक गड़बड़ी, ये दोनों चीजें सीधी जुड़ी हुई हैं। महीने में एक बार सभी को पूर्ण शुद्धिकरण से गुजरना चाहिए। इसके बिना योग में वे कभी नहीं मानते कि स्वास्थ्य होगा, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के परजीवी से निपटने का एक तरीका था जो बढ़ सकता है। सभी परजीवी खतरनाक नहीं होते, ऐसे परजीवी होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। इसलिए इन प्रणालियों को मुख्य रूप से पूर्ण संपूर्ण सफाई के लिए डिजाइन किया गया, जहां ये पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। उनमें से कई पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिवारों में पले बढ़े हैं। हर महीने अरंडी का तेल पिएं और खुद को शुद्ध करें। वास्तव में जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे घरों में ये एक रस्म होती है। हर महीने आपको गर्म अरंडी का तेल पीना है और आप शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध करते हैं। 2 घंटे बाद पानी पिएंगे तो सिर्फ शुद्ध पानी निकलेगा। उस हद तक आपकी मलाशय को पूरी अच्छी तरह साफ किया जाता है। पेट को शुद्ध करने के लिए अरंडी के तेल का उपयोग कैसे करें? अरंडी का तेल एक उत्कृष्ट रेचक उत्तेजक के रूप में काम करता है, जो हमारे पाचन तंत्र को साफ करने में सहायता करता है। अरंडी का तेल उन लोगों के लिए एक सस्ता प्राकृतिक उपचार है जो अक्सर कब्ज का अनुभव करते हैं और जिन्हें पेट पूर्ण साफ न होने की शिकायत रहती है, जो कुछ महंगी दवाओं के लिए एक आसान विकल्प प्रदान करते हैं। अमेरिकी चिकित्सा वैज्ञानिकों का दावा है कि अरंडी का तेल शौच करने में दिक्कत होने पर आपकी आंतों को खाली करने में मदद करती है। तेल के सेवन से आंत तेजी से चलती है, मलमूत्र को आंत्र के माध्यम से यात्रा करने और बढ़ी हुई गतिशीलता से मलाशय से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी दवा लंबे समय तक उपयोग के परिणाम स्वरूप अंततः आंत की मांसपेशियां खराब हो सकती हैं। इस वजह से कब्ज से राहत पाने के लिए सावधानी से अरंडी के तेल का प्रयोग करें। आयुर्वेद के डॉक्टरों द्वारा अरंडी के तेल को एक प्रकार की दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही मात्रा में सेवन कर रहे हैं। जो कोई भी कब्ज के लिए अरंडी के तेल के उपचार लेना चाहता है उसे भी अरंडी तेल की बॉटल पर दिया लेबल पढ़ना चाहिए। 15 से 20 मिलीलीटर यानी ml या लगभग 1 बड़ा चम्मच सामान्य मात्रा होगी। अगर आप इसे हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ले रहे हैं तो 3 बड़े चम्मच ले सकते हैं। अरंडी के तेल को पानी या दूध के साथ मिलाकर पी सकते हैं। पेट पूर्ण साफ होने के लिए 1 महीने में अधिकतम 3 से 5 दिन अरंडी का तेल लेना चाहिए। यदि ये परिणाम नहीं देता है तो आपको फिर से डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। मल त्याग आमतौर पर अरंडी के तेल का उपयोग करने के 3 से 4 घंटे बाद होता है, लेकिन कुछ लोगों को काम शुरू करने में 5 या फिर 6 घंटे तक का समय लग सकता है। अगर अरंडी का तेल का इस्तेमाल करने से आपको दस्त हो जाएं, तो आप अरंडी तेल में गुनगुना दूध या पानी और उसमें गाय का तूप या तिल का तेल 1 चम्मच मिक्स करके पी लें। आपको सोने से पहले अरंडी के तेल का सेवन करने से बचना चाहिए। कुछ खास लोगों को अरंडी के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों में उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई महिला गर्भवती होने पर इसका उपयोग करती है तो इससे भ्रूण को खतरा हो सकता है या जन्मजात दोष हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भाशय सिकुड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान अरंडी के तेल के सेवन के खतरे किसी भी संभावित लाभ से अधिक हैं।
सामान्य तौर पर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अरंडी का तेल नहीं देना चाहिए। अगर देने की आवश्यकता हो तो बाल रोग विशेषज्ञ से पूछें। जब अरंडी के तेल का बार बार उपयोग किया जाता है तो ये 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में जठरांत्र संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। अरंडी का तेल और अन्य शक्तिशाली रेचक का उपयोग केवल कब्ज के लिए एक अस्थायी समाधान के रूप में किया जाना चाहिए। नियमित मल त्याग के लिए अरंडी के तेल का उपयोग करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दस्त, कम पोटेशियम का स्तर, बार बार मल त्याग करने के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की हानि, कमजोरी और कोलन सूजन। कैस्टर ऑयल उपयोगकर्ता जो इन नकारात्मक प्रभावों का सामना करते हैं उन्हें एक बार इसका उपयोग करना बंद कर देना चाहिए और चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।